बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार यम्मी रेसिपी। 1 kg के करीब मैंने फ़िश ली है, इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अब हम जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और मैंने 3 लेमन लिए हैं। तो जो ये अब हम फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। तो अब हम लगाते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले अच्छे से हमने इसको कट लगाए हैं, तो उन पे अच्छे से हमने इसको लगाना है और इसके अंदर भी सही से। फिर इस तरह इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने अच्छे से इसको मसाला लगा के रखना है। सारा अदरक लहसुन जो पेस्ट है आपने इसी तरह सारा अच्छे से इसको लगा लेना और इससे बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा इस तरह से। और फिर हमने जो दूसरे मसाला जाता है वो लगाएंगे। ये खुश्क धनिया लिया था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब, वो अब मैं इसमें मैंने इसको लगा दिया ऊपर। तो सारे हम इसी तरह जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मसाला लगा के रखेंगे। तकरीबन टेस्ट बहुत ही आला आता है और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम आप इसको 3 घंटे के लिए ज़रूर रखें। तो बाकी सारे हम जो भी हैं स्पाइसेस ऐड कर लेंगे आप अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्पाइसी हो तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, आप इसके नान के साथ सर्व करें, वो आप पे है। आप इसको जैसे खाना पसंद करते हैं आप करें। तो ये देखिए हमने इसको सारा मसाला लगा दिया और अब हम इसको स्ट्रेट रख लेंगे तकरीबन 3 घंटे के लिए। तो जी बना लेते हैं। जो इसको बेसन लगाना है मैंने, उसके लिए मैंने इसको लिया हाफ पाव के करीब बेसन। उसमें आप फिश मसाला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून और फिर इसमें हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड किया। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने दूसरा जो बचा था थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था धनिया पाउडर, वो उसको दरदरा सा पीसा था मैंने, वो ऐड कर देते हैं। और इसके बाद इसमें नमक जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर लें। पहले उधर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट में ऐड किया हुआ था, आप अपने हिसाब से ऐड कर लें जितना आपको पसंद है जी। तो 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी बेसन में। और अब और लेमन मैंने दोबारा से इसमें ऐड करूँगी जी। आप 1 लेमन ले लें, बड़ा है तो 1 ही बहुत है, अगर छोटे साइज़ का है तो आप 2 के करीब लेमन लें और वो इसमें ऐड करें जी। तो अब हम इसको सबका अच्छे से मिक्सचर बना लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करना है हमने। तो अब ये सारे जो स्पाइसेस जाने थे वो मैंने ऐड कर देंगे मिक्सचर बना लेती हूँ। रेड मिर्च मैंने इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि पहले मैंने ऐड कर दी थी, इसमें जस्ट दूसरे स्पाइसेस ऐड किए हैं और वो आपके सामने हैं। जो भी मैंने बताए हैं वो स्पाइसेस आप ऐड कीजिएगा। सो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो हमारा मिक्सचर रेडी है, ये इस शेप में बनेगा। तो आपने इसको बना लीजिएगा और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑयल मैंने रख दिया और ऑयल को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म है। आप फिश को हम दूसरा मसाला लगा के रख देते हैं और फ्राई करने के लिए। और बहुत ही प्यारा कलर आया था माशाल्लाह और बहुत ही लजीज बनी थी। वॉइस ओवर करते हुए भी मुझे मतलब फीलिंग आ रही है, इतनी मज़े की थी और दोबारा मतलब ऐसी हो जाए डिश। तो सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो फ्राई हो चुकी है हमारी फ़िश, हम इसको निकाल लेते हैं और फिर हम इसको दोबारा जो फ़िश बची है उसको भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। और आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाती है ये डिश। तो हमने इसको कर लेते हैं डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कलरफुल और जायके में लाजवाब, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।